दोस्तों, देश के हर रेड लाइट एरिया में कोरोना के बाद कई तरह के बदलाव हुए। आज हम आपको पुणे के रेड लाइट एरिया में हुए बदलाव और वहां की स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। 1,80,000 से ज्यादा मरीजों के साथ पुणे देश का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहर बन चुका है। बाकी दुनिया की तरह यहाँ भी महामारी ने पूरी तरह से लाइफ स्टाइल को बदल दिया है। शहर की पुरानी रौनक लगभग खत्म हो चुकी है। बदलाव देश के तीसरे सबसे बड़े रेड लाइट एरिया यानी बुधवार पेट में देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन, एनजीओ और यहाँ रहने वाली सेक्स वर्कर महिलाओं की ओर से बहुत सारे एहतियाती बदलाव किए गए हैं, साथ ही एहतियात बढ़ते भी जा रहे हैं। लॉकडाउन लगने के 4 महीनों तक एक भी केस सामने नहीं आया था, लेकिन अब आने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि अब एक्टिव केस सिर्फ 15 ही बचे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। बुधवार पैट के वार्ड ऑफिसर सचिन तामखेड़े कहते हैं कि लॉकडाउन लगते ही इलाके को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। रेड लाइट एरिया में जाने वाली हर सड़क को ब्लॉक कर दिया था। पुलिस की एक टीम 24 घंटे यहां तैनात रहती थी और यहां होने वाली वैश्यवृत्ति को पूरी तरह से रोक दिया था। इसके साथ ही घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा था। यहां रहने वाली ज्यादातर महिलाओं और उनके परिवार के लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें कोई लक्षण दिखे तो उसको दवाइयां दी गई। जो महिलाएं यहां से अपने घर जाना चाहती थी, उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मार्च से शुरू हुई प्रक्रिया अब तक जारी है। इलाके में भीड़ को देखते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए निगम की एक टीम यहाँ पर छापेमारी करती है और बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाती है, और इसका परिणाम ये हुआ कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद भी यहाँ केस काफी कम आए। अनलॉक एक के बाद यहाँ नियमों के साथ देह व्यापार करने का धंधा फिर से शुरू करने को मंजूरी दी गई थी। हालांकि 5 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में इसे 15 दिनों के लिए बंद कर दिया था। अब हालात फिर से सामान्य हो चुके हैं। यहाँ काम करने वाले एनजीओ सहेली संघ के तेजस्वी सेवाकारी का कहना है कि ज्यादातर सेक्स वर्कर अब वापस काम पर आ चुके हैं। निगम अधिकारियों के साथ मिलकर एनजीओ ने खास एसओपी तैयार की है। ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए वीडियो ऑडियो क्लिप के जरिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तेजस्वी कहते हैं कि हम यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की परेशानी देखने को नहीं मिली। राज का पहला मामला भी पुणे से ही आया था। जानकारी वैसे ही हमें हुई तो हमने यहाँ महिलाओं को कोरोना को लेकर आगाह किया। वह कहती है यहाँ तकरीबन 2500 रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर हैं। शुरू में उन्हें समझाना काफी मुश्किल था, लेकिन शहर में जैसे जैसे केस बढ़े, महिलाएं खुद सामने आई और उन्होंने ग्राहकों को मना करना शुरू कर दिया। तकरीबन 4 से लेकर 5 दिन में यह इलाका सील हो गया और कंटोनमेंट जोन नहीं होने के बावजूद पूरे लॉकडाउन के दौरान करीब 100 दिनों तक यह इलाका सील रहा। तेजस्वी कहती है कि जब इन औरतों के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई, तो इन्होंने संक्रमण से बचने के लिए वीडियो कॉल के जरिए भी सेक्स फोन का विकल्प आजमाया। ये गूगल पे या पेटीएम के जरिए पैसे ले रही है। बुधवार पैट में 7 साल से बतौर सेक्स वर्कर काम करने वाली सुप्रिया, हालांकि ये नाम बदला हुआ है, कहती है कि ऐसी परेशानी हमने नोटबंदी के दौरान भी नहीं देखी थी। हमारा इलाका सील था, हम घरों में कैद थे, सामान बाहर से नहीं ला सकते थे, कमाई पूरी तरह से बंद थी। तब हमने तय किया कि हम अपनी खातिर दूसरों की जान खतरे में नहीं डालेंगे और हमने धंधा बंद किया। तमाम दावों के बावजूद हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर इस इलाके की पड़ताल की। उन्हें एक ग्राहक बनाकर ब्रोथल यानी कोठी भेजा गया। वे जैसे ही कोठे के भीतर जाने लगे तो उन्हें मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनने के लिए रोका गया। कोठे पर पहुंचने पर हाथ में डंडा लिए बैठी कोठे की संचालिका ने उन्हें रोक लिया। कमरे में घुसने से पहले उनसे रेट तय किए और उनसे एडवांस पैसे लिए। संचालिका ने उनके हाथ सैनिटाइज करवाए और अपने पर्स और मोबाइल को बाहर जमा करवाने को बोला। इसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद एक महिला को चुना और उन्हें लेकर कमरे की ओर जाने लगे। महिला उन्हें लेकर एक बाथरूम में गई और वहाँ उन्हें नहाने के लिए कहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ मौजूद महिलाओं ने अपने चेहरे को मास्क और कपड़े से ढका हुआ है। बुधवार पैट में सर्विस भले ही शुरू हो गई, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि सेक्स वर्कर और ग्राहक दोनों ही अपनी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आप इस खबर को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।